ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना बायो बदल लिया है। सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से भाजपा हटा दिया है, इसके स्थान पर उन्होंने जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में भाजपा को जोड़ा ही नहीं था। हालांकि इस पर सिंधिया या भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 18 सालों तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद सिंधिया ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा था। पार्टी में उनके आने के बाद उनके समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने और उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की खबरें थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके समर्थक और पूर्व विधायकों को उपचुनाव का टिकट देने में भाजपा आनाकानी कर रही है, इसलिए सिंधिया ने ये कदम उठाया है। शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई बार तारीखों का ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री ने भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार की, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। सिंधिया को भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चाएं अब कम होती है, लेकिन भाजपा में उनकी एंट्री के समय उनके समर्थकों ने इसे जोर शोर से प्रचारित किया था। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 22 विधायकों को टिकट देने का वादा भाजपा ने किया था, लेकिन इसमें दिक्कतें आ रही है। कई सीटों पर पार्टी को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी को अपने नेताओं को मनाना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक की जीत पर संदेह की बातें कर रहे हैं।